नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जो राड़ चढ़ी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे लेने वाले राजनीतिक दलों के नामों और धनराशियों के खुलासे होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ मोर्चा के रूप में खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। तो ही बीजेपी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था पारदर्शिता के लिए बनाई गई है, इसमें कांग्रेस को परेशानी क्या है? पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था 1 अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। वहीं राजनीतिक दलों ने 22,030 बॉन्ड को कैश कराया। चंदा हासिल करने वाले टॉप पार्टियों में बीजेपी 6,060 करोड़ रुपए पहले नंबर पर रही। वहीं दूसरे नंबर पर टीएमसी 1,609 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर कांग्रेस 1,421 करोड़ रुपए रही। कांग्रेस के अलावा बीआरएस को 1,214 करोड़ रुपए, बीजेडी को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए मिले। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम शामिल है। कंपनी ने 1,368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। कंपनी ने 966 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दिया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश में बीजेपी और मोदी सरकार को निशाना साधा रही है। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी के भ्रष्टाचार का नमूना बताया है। इसे लेकर प्रदेश के सभी संभागों में प्रेस वार्ता कर रही है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने घूस भी वसूला। जिन कंपनियों ने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया, उनको हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बीजेपी की बदनीयती भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी ने ईडी आईटी सीबीआई को अपना चंदा वसूली एजेंट बना दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, इससे साफ हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराकर, छापे मारकर, गलत कार्रवाई कर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए बनाई गई है। निश्चित रूप से, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये कर रहे हैं उसमें उनको परेशानी क्या है? ये तो बहुत ट्रांसपेरेंसी का मामला है। और जब राजनीति के क्षेत्र में जब चुनाव के पहले लोग कहां से पैसा आता है, किसको कितना देते हैं, कैश का लेन देन का कुछ पता ही नहीं चलता, तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छी प्रक्रिया है। कम से कम शुचिता रहेगी, सबको मालूम रहेगा, आयोग से लेकर सभी को, कि किस राजनीतिक क्षेत्र को कितना, किस तरीके से उनको कौन सहयोग कर रहा है, कैसे, क्या माध्यम है, कैसे सहयोग कर रहा है। अब उनकी छटपटाहट है तो अब वो जाने। बहरहाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे का जनता पर कितना असर होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए तो आज चर्चा करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, कि आखिर सियासत क्यों चल रही है, क्यों इतनी राड़ चढ़ी हुई है। अब बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता शशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जुड़ी चुके हैं, आपका भी स्वागत है सत्य प्रकाश जी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास जाएंगे।
शशिकांत पांडे जी आपके पास आएंगे। शशिकांत पांडे जी, सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बॉन्ड को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस आपके खिलाफ मोर्चा खोल दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईडी, सीबीआई और आईटी का जो दम दिखाया जाता है, जो दबाव दिया जाता है, उसके वजह से चंदा हुआ आ जाता है। आपका क्या कहना है? दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 2017 के बाद से एक प्रक्रिया बदली गई चुनावी चंदे के रूप में, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एक व्यवस्था बनाया गया कि कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कब दे रहा है, और सारी चीजें पारदर्शी है, ऑनलाइन है, कहीं भी किसी के घर के अंदर घुस के नहीं दिया जा रहा है, पॉकेट के अंदर नहीं डाला जा रहा है। तो इस व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी को दर्द किया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल एक थे मैं उठाना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी मात्र इतना कह रही है कि जो भाजपा को चंदा मिला है वही दबाव के कारण है, या भ्रष्टाचार के पीछे का कारण है, या और कोई कारण के कारण भाजपा को मिला, और जो कांग्रेस को मिला है वो बिल्कुल स्वच्छ है और निर्मल है, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, पांडे जी, मतलब कांग्रेस पार्टी को भी गलत तरीके से मिला और आपको भी मिला, आप एग्री करते हैं? नहीं गलत तरीका नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जिस तरीका से हमको मिला उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी। ठीक है पांडे जी, सवाल मैं पूछूंगा कांग्रेस से पूछूंगा, पहले आप जवाब दीजिए अपना। जिस प्रकार से हमको मिला उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन इनका आरोप ये है। नहीं ठीक है, ये पारदर्शिता वाली बात बोल रहे हैं, आपके नेता भी बोल रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, क्या पारदर्शिता है, किस तरीके का ये मिलता है, ये फंड सर, ये फंड कैसे मिलता है, कौन देने वाले होते हैं और इसका कहाँ यूज होता है, ये थोड़ा सा समझाइए आप सर। देखिये, फंड देने वाले कई लोग हो सकते हैं, कोई भी जाके एसबीआई से बॉन्ड लेके किसी भी पार्टी को दे सकता है, और किसी भी पार्टी को, ढेर सारे पार्टी को दिया गया है। मेरा कंसर्न ये है सर कि सिर्फ भाजपा पे जो दोष दे रहे हैं कि दबाव के कारण ये फंड मिला भाजपा को, तो कांग्रेस पार्टी तो सरकार में नहीं, ठीक है सर, वो विपक्ष में है, वो बोलेंगे, आप अपना जवाब दीजिए सर, मैं उनके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, यही आपका जो सवाल है यही सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगा, आप अपना बात रखिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया काम है, और इसमें कहीं भी ऐसी भ्रष्टाचार वाला मानक नहीं है। अच्छा। जबरदस्ती का टूल किट का हिस्सा बना के कांग्रेस पार्टी इसको विसल ब्लोअर के नाम से चला रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब जो पैसा अकाउंट में आया उसको भी भ्रष्टाचार के नाम से आप दे दोगे, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है ना, ये तो एक प्रक्रिया है, उसमें किसी पार्टी ने दिया है उसका भी नाम दिख रहा है, कब दिया उसका भी नाम दिख रहा है, किस पार्टी को दिया उसका भी नाम दिख रहा है, तो उसमें भ्रष्टाचार का काम क्या है? और जब दबाव की बात करते हो तो आपने किसको दबाव दिया कि आपको चंदा मिल गया 1600 और 1400 करोड़ रुपया, ये भी तो प्रश्न उठ रहा है ना। पांडे जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टी को देने वालों की फेहरिस्त लगी हुई है, बड़े सपोर्टर आपके हैं सब। चलिए, सत्यप्रकाश जी आपके पास है। सत्यप्रकाश जी, यही शशिकांत पांडे जी का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है कि जो चंदा मिला हुआ है, जो आपको भी तो मिला हुआ है, अगर 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया तो 14000 करोड़ रुपए आपके खाते में भी गया, तो आप फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? फेहरिस्त में तो आप भी हैं, अगर ये भ्रष्टाचार है, दबाव है, तो आपके पास ईडी भी नहीं थी, सीबीआई भी नहीं थी, आईटी भी नहीं थी, फिर भी आपके खाते में 14000 करोड़ रुपए पहुंच गया। 1400 करोड़। अभिषेक जी देखिये, 14000 करोड़ हमारे खाते में नहीं है। हाँ। हमारे वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिये, हाँ। देश के इतिहास के सबसे बड़ा घोटाला जो है ना वो सामने है। ये मोदी जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अब बोल रहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से खाऊंगा और खाने दूंगा। देखिये, ये वही बात करें निशिकांत पांडे जी की ट्रांसपेरेंसी की, भाई साहब ट्रांसपेरेंसी थी का? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तब तो ट्रांसपेरेंसी हुई है, तब तो सामने आया। जैसे पीएम केयर फंड अभी उसको छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्या है उसमें छुपा के, क्या सोना चांदी क्या है वो तो मोदी जी या निशिकांत पांडे जी बता सकते हैं। तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी करते सबके सामने आ गया है, सबको दिख रहा है। अगर 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के माध्यम से मिला है तो 1400 करोड़ रुपए आपको भी मिला है, तो आप भी तो बता दीजिए कि पैसा कहां से आया है, और अगर आपके भी खाते में गया है, आपके पार्टी को भी मिला है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं अभिषेक जी वही बता रहा हूँ। हाँ। नहीं अभिषेक जी बता रहा हूँ मैं, देखिए हमारे अगर खाता आप उठा के देख लीजिए जो जारी हो चुका है उसमें आपको अगर बड़ा अमाउंट दिखेगा, बड़ा अमाउंट अगर दिखेगा ना हमारा अगर खाता उठा के, तो 1 लाख का सबसे बड़ा अमाउंट दिखेगा, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमारा अभियान भी बीच मालूम है उसके तहत। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, ये जो लिस्ट है कि कब छापे पड़े और कब बॉन्ड जारी हो गए, एक भी कंपनी का दिखा दे निशिकांत पांडे जी कि भाई कभी अगर हमारी। अच्छा ठीक है, ये सबूत आपके पास है कि जहां छापे पड़े उसके बाद बॉन्ड खरीदा गया और पार्टी को सपोर्ट किया जाए, कुछ नाम ले लीजिए आप, सिंह साहब कुछ नाम ले लीजिए ऑन स्क्रीन। जी सिंह साहब, आवाज आ रही है आप तक?
ठीक है, आपकी ईडीआईटी रेट रुक गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आपने खुद ने अपने पैकेज में चलाए जी। नहीं आप बताइए, आप तो फेहरिस्त लिए हुए हैं, आप तो पूरी पूरा खाका लेकर बैठे हुए हैं। मेगा इंजीनियरिंग का आपको फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिन कंपनियों का जिक्र हमने किया है जो जी, मैं तो बता रहा हूँ ना, एक एक नाम है जी 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 तो बताइए बताइए जी। मेरे पास तो पूरा खाका है, मैं तो एक एक कंपनी का नाम पढ़ देता हूँ, डीएलएफ आईएफबी, तो यहां तक कि ये जो बोलते गौ माता बोलते बीफ कंपनी से भी चंदा ले चुके हैं, पाकिस्तान को जो 56 इंच की सीना दिखाने की बात करते थे पाकिस्तानी कंपनी से भी ले लिया इन्होंने, तो छोड़ा किसको है आप ये बताइए ना। देखिए हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि चंदा किसको मिला कि चंदा किसको नहीं मिला, चंदा हर राजनीतिक दल को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दोहरा है। समस्या यहाँ या बड़ा प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि चंदा दिया कब गया है, उससे फायदा किसको हुआ किसको नुकसान हुआ, जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये उठता है। हमने जैसे बोला, मैं चुनौती साथ बोल रहा हूँ, आप हमारे जो कांग्रेस पार्टी के उठा के देख लीजिए, एक भी अगर ऐसी कंपनी हो जहां पर उसे चंदा दिया उसका फायदा नहीं उठाया, आप बता दीजिए ऐसे। मैं तो यहाँ पे इतनी फेहरिस्त दिखा रहा हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात 31 में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिसके ऊपर ईडीआईटी की रेट चल रही थी, जो बॉन्ड खरीदती है ईडीआईटी की रेट रुक जाती है, जो बॉन्ड खरीदती है उसको 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, मुद्दा यहां यह है, प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि आप यहां उगाही का एक सिंडिकेट चला रहे थे और हमारे पास जो आया, मैंने बोला हमारे पास तो कार्यकर्ता को आया 1400 करोड़, बताइए जहां पे ये महादेव हल्ला करते हैं, खुद फ्यूचर गेमिंग से इन्होंने 1400 करोड़ बता दी, हर चीज में मैं बोला गौ माता के नाम पे हल्ला करते, बीफ कंपनी से ले लिया, पाकिस्तान को 56 इंच दिखाने की बात करते पाकिस्तान कंपनी से ले लेते, फिर गेमिंग की बात होती है उससे 1400 करोड़, और उस गेमिंग कंपनी का रेट पड़ती है और जो रुक जाती है, 2 अप्रैल को रेट पड़ती है और 7 अप्रैल को बॉन्ड ले लिए खरीद के लिए दिया जाता है, रेट रुक जाती है। तो ये दिख रहा है ना, यही मैं बोल रहा हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि आपको चंदा मिला हमको मिला, मुद्दा ये है टाइमिंग पे कि आपने कब बॉन्ड उसे खरीदा दिया गया और कब उसके ऊपर ईडीआईटी रेट रुक जाती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। यहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घूल के आया, और अब से एक चीज और बोलूंगा, चंदा में उगाही कर रहा इनका इतिहास है, आप याद कीजिए 92-93 का इनका राम आंदोलन वाला, उसमें भी चंदा इन्होंने उगाही किया, इनके खुद के आनुषंगिक संगठन बीएसपी ने आरोप लगाया था कि चंदे की बंदे बांट करके बड़े बड़े विधायक सांसद बन गए। तो इनका ये दिखाने के जो चंदा चलता है ना, ये शुरू से चलता रहा, सिंडिकेट है इनका, इसमें ये माहिर है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपने बोला कि समय का खेल है और समय अब सियासत अगर उनके हाथ में है, कुर्सी उनके हाथ में है, बागडोर बीजेपी के हाथ में है, तो उसका फायदा तो मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे, जब उनकी सरकार थी तो बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे घोटाले का जिक्र भी किया जाता है, क्योंकि सरकार आपकी थी, समय पलट गया है, समय बलवान हो गया है बीजेपी का, इसलिए आपके खाते में थोड़ा कम गया, उनके खाते में ज्यादा गया। चंद्राकर जी आपके पास आएंगे, चंद्राकर जी आप दोनों नेताओं की बात सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर राजनीति चल रही है, सियासत गरमा रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और मुद्दा बनाया जाता है, कितना सही कितना गलत, क्या वाकई में एक राजनीति का मुद्दा है या फिर हकीकत में ये पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां फेहरिस्त में है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी राजनीतिक रूप से फायदा ली है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला इससे जुड़ा हुआ है, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चंद्राकर जी, जी जी जी, 2017 में अभिषेक जी जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बात आई तो यहां पर मूल बात यह थी कि ये जो चंदा मिलेगा पॉलिटिकल फंडिंग तो होगा, प्रश्न था पारदर्शिता का, और उस समय जेटली साहब जिस तरह से पारदर्शी हो रहे और एक प्रकार से एक वो आशा रखे थे, तो उनके बातों को माना गया, पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हुआ, पास हुआ। लेकिन उसी समय आरबीआई यह सचेत किया था, इवन इलेक्शन कमीशन भी, आरबीआई का कहना था कि अधिकार जो है बॉन्ड जारी करने का आरबीआई को मिले, ना कि स्टेट बैंक को। दूसरी बात, आरबीआई का कहना था कि ये डिजिटल हो, ना कि ये प्रपत्र के रूप में हो, कागज में हो, ये प्रमुख बात थी। अब तीसरी बात आती है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेल कंपनियां, अभिषेक जी जी, सेल कंपनी के माध्यम से आपका जो प्रश्न था करप्शन का, भ्रष्टाचार का या ब्लैक मनी का, ये क्या होता है, बड़ी कंपनियां सेल कंपनियों के माध्यम से या उनको अपना उनका काम ही है मनी लॉन्ड्रिंग करना औसत में। अब देखिए जो अमेंडमेंट हुआ था, एक पास हुआ था अभिषेक जी, उसमें यह बात आई थी
कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 60% वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे सकती है। अब वो बात थी, लेकिन क्या हुआ कि यहां सेल कंपनियों के माध्यम से जो सूची हम देख रहे हैं इनके बहुत आयात है, और इसके कारण बड़ी कंपनियां सेल कंपनियों के माध्यम से वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फिर वो रोटेशन में उस मनी को घुमा रहे हैं। यहां प्रॉफिट या नुकसान वाली बात नहीं है, यहां पर मूल बात वही आ गई। और जहां तक चंदा की बात है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो पार्टी सत्ता में रहती है उनको निश्चित रूप से ज्यादा मिलती है। ये तो पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी के समय जो हर्षद मेहता जो साफ बोले थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर के इतना करोड़ दिया, एक सूटकेस में वो भर करके उसका प्रदर्शन भी किए। तो जो सत्ताधारी रहते हैं कम और ज्यादा होता, लेकिन मूल बात यह है कि बड़ी जो कंपनियां तो सेल कंपनियों के माध्यम से इस तरह से की हैं, जिसके ऊपर आज भारत में और पूरे विश्व में चर्चा हो रही। लेकिन मूल बात यह है अभिषेक जी कि भविष्य में ये जो फॉल्ट है जो कंपनियां कॉरपोरेट जगत जो भी कानून बनती है उसमें लूप होल ढूंढ लेती हैं, इनको भविष्य में सुधार कर दें। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये चंदा का जो प्रावधान है वो तो जरूरी है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को डायनामिक रूप से जनता के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक सोर्स की बात है डेमोक्रेसी में, लेकिन डेमोक्रेसी में पारदर्शिता की निश्चित रूप से अपेक्षा की जाती है। ठीक है चंद्राकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और हकीकत में जिस तरीके से चल रहा है और कंपनियां जिस तरीके से चंदा दे रही है, न्यौछावर कर रही है राजनीतिक दलों को और नेताओं को, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। पांडे जी, जिस तरीके से आप लगातार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता लगा रहे हैं, लक्ष्य आप रख रहे हैं, उसके तरह काम कर रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि इलेक्शन के समय चुनाव नजदीक आ गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का रवैया तुरंत एक्शन मोड में कि भाई पूरी लिस्ट सामने आए, तो कहीं ना कहीं जो खाते में ट्रांसफर हुआ है सर, अब पता नहीं कि और ज्यादा हुआ है, कौन से लोग हैं, कहां से आया हुआ है, नाम आएगा तो घाटा हो जाएगा। अभिषेक जी, घाटा और नुकसान वाली कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए लोकतंत्र में न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय ने जो जो मांगा जिससे मांगा उसको देना चाहिए और दे भी रहे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया सही लिया, और जो ये आंकड़े आ रहे हैं या तो कांग्रेस पार्टी को या तो बीजेपी को या किसी और दल को जो भी चंदा मिला है वो रूट हुआ है कहां से, बैंक से, और बैंक ने जो व्यक्ति ने उसको खरीदा है उसका डिटेल भी है, जिसको दिया उसका भी डिटेल है। अब मूल विषय जो आता है इसमें, ये जो कांग्रेस पार्टी का टूल किट का जो हिस्सा है, जो विसल ब्लोअर बन रहे हैं कि भाजपा ने उनसे पैसा लिया जिसपे ईडी का रेट पड़ा, तो कांग्रेस ने किससे, अभी तो ये बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं से पैसा लिया 1400 करोड़ रुपया, उसमें पूरे पाकिस्तान की कंपनी भी है और सनद रहे, ये कांग्रेस पार्टी वही है। ठीक है सर, तो आपकी सरकार, तो आप ही बता दीजिए कि कांग्रेस को जो चंदा मिला है 1400 करोड़ के लगभग का, वो कहां से मिला है, या तो फिर आप ये कह दीजिए ऑन डिबेट में टीवी स्क्रीन के सामने कि कांग्रेस पार्टी को जो चंदा मिला है वो सही तरीके से मिला है, अवैध नहीं मिला है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे पारदर्शिता है और इसमें जिसने भी चंदा दिया उसका पूरा डिटेल है, तो इसमें फर्जीवाड़ा कोई सवाल नहीं उठता। फर्जीवाड़ा तब उठता है जब एक चीन की सरकार एक भारत के पार्टी को चंदा देती है 90 लाख रुपया, वो सवाल के घेरे में आता, उसके बाद MOU होता है। दूसरा सवाल के घेरे में आता, आज ही एक छत्तीसगढ़ में लेटर बम फूटा है यही चंदे को लेकर ही, कि जो डोनेशन मिला था सर पार्टी को उसका 5.80 लाख रुपया भूपेश बघेल जी करीबी के लड़के को दे दिया गया बिना किसी कार्रवाई के। तो ये भ्रष्टाचार से इंगित कांग्रेस आज हम पे आरोप लगा रही है, तो ये पहले बोल दो, पहले ये कबूल करो कि आपने जो लिया है वो भ्रष्टाचारी है, या तो दोनों भ्रष्टाचारी होंगे या तो कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जो मूल में सवाल उठा रहा हूं कि जिस पारदर्शिता से और जिस इंटेंट से इसको बनाया गया था, उसके मूल में ये था कि ये जो कालाबाजारी और धन जो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता,
उसके पीछे का मकसद यही था कि हमको जो चंदा मिले वो पारदर्शी रूप से मिले और एक सुचिता की राजनीति की शुरुआत हो, ये भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पांडे जी, तो उत्सुकता बढ़ गई है, आप एक शब्द और बोल दीजिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर भ्रष्टाचार है तो दोनों पार्टियां सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में संलिप्त है। पांडे जी, आप ये भी बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप बोल रहे हैं पारदर्शी तरीके से पूरी डिटेल है, सही तरीके से बॉन्ड दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी को भी जो बॉन्ड मिला है वो सही तरीके से मिला है, यानी भ्रष्टाचार का पैसा उसमें संलिप्त नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट से कि जो डोनेट किया गया है पैसा, हाँ, उसका सारा डिटेल है, आप उसको जबरदस्ती का बता रहे हो दबाव में, तो आपने किसको दबाव दिया कि आपको चंदा मिल गया। ठीक है, ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक कहावत है जो चलती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत चरितार्थ हो रही है सर आज, क्योंकि पांडे जी तो आपका फेवर ले रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो चंदा मिला है वो सही तरीके से मिला है, तो भ्रष्टाचार भी अगर हुआ है तो कांग्रेस भी संलिप्त है, तो कहानी क्या है, आप तो खुद ही फंस गए। अब अभिषेक जी देखिए, मैं एक चीज बोलूं, इन्होंने अभी वो भी बात की फंड की, चाइना और क्या तमाम चीज, पीएम केयर फंड में कहां से पैसा है उसको सार्वजनिक कर दिए, कौन सी चाइना कंपनी से है, तो वो भी सबके सामने आ जाएगा, तो उसको क्यों छुपा के रखते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भी खुलासा हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो किसी को पता नहीं था कि ये मामला जो 2017 से चल रहा है, इतना इतनी रकम चाहते हैं, इतनी रकम जो शुरू से पीएम केयर फंड के ऊपर प्रश्न, अभी खुलासा नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले समय में इसका भी खुलासा हो जाए। जी अभिषेक जी, हम तो पहले दिन से बोलते हैं कि पीएम केयर फंड की जो राशि आती है उसको सार्वजनिक करनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट तक नहीं होता है तो हम खुद को, हम तो पहले दिन से उसके खिलाफ है कि इसकी ऑडिट होनी चाहिए, इन्होंने रोक रखा है। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, जो मैं हमारी पार्टी है, मैं भी अभी उससे पहले अपने वक्तव्य में बोला कि हमने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि आपको चंदा कहां से मिला, किसने दिया, प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि जो आपने रेड कराई रुकी कैसे, आपका टाइमिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, प्रश्न चाहिए आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप ये गोल 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 वाली बातें मत घुमाइए कि उनको भी मिला, हमको भी मिला, इनको भी मिला, तो यही मैं बोल रहा हूं कि हमको अगर मिला है, आपको भी शेख जी मालूम है हमारे अभियान चला था कार्यकर्ताओं का, मैं ये नहीं बोला सब कार्यकर्ता, मगर जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का है, वो भी एक कार्यकर्ता का है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं ना, हमारे फंड देख लीजिए आप, और अभी भी अगर आपको 1 लाख रुपए हमारे आंकड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा है सर, मैं या तो फिर आप ये बोलिए, नहीं बोलो या तो फिर आप ये बोलिए, जिस तरीके से पांडे जी ने बात कही है कि कांग्रेस को भी जो चंदा मिला है वो सही तरीके से मिला है, या तो फिर आप ये बोल दीजिए कि कांग्रेस बीजेपी के पास जो चंदा आया है वो भ्रष्टाचार का आया है, गलत आया है, और हमारी पार्टी को भी चंदा आया है गलत तरीके से आया। अभिषेक जी नहीं सर, मैं वही बोलो ना, हमारी पार्टी के पास अगर आया है ऐसा, जैसे मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, कि जो रेड हुई रुकी कैसे है, तो अगर एक भी ऐसा चंदा हमारे पार्टी में आया हो कि कहीं पे अगर जो हमारे राज्य में सरकारें थी वहां पे कुछ ऐसा कार्रवाई हो रही हो, रुक गई हो, तो आप बता दें। आप मुद्दा यहाँ ये है, बार बार हमारी पार्टी, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये रेड या कोई बड़ा असाइनमेंट मिल कैसे जाता है, उसके बाद ही क्यों मिलता है। ठीक, चंद्राकर जी का आखिरी सवाल चंद्राकर जी से ले लेते हैं। चंद्राकर जी, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के एन वक्त पर इतना बड़ा मुद्दा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जवाब आ रहा है, जिस तरीके से अपना पक्ष रख रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, कितना फायदा नुकसान होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में? देखिए अभिषेक जी, अभी अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन इसे यहाँ पर इस रूप में देखना चाहिए कि हमारा जो एक्ट बना हुआ है उसमें कुछ कमजोरियां रही जिनका फायदा कॉरपोरेट जगत और सेल कंपनियां उठा रही, प्रश्न यह है, और यह सबसे बड़ा विषय है। इसमें भविष्य में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में भी ये समस्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहेगा और इनको पैसे की आवश्यकता होगी। भारत का कानून इन्हें चंदा लेने की इजाजत दे रहा है, तो यहाँ पर और पारदर्शिता लाने के लिए आरबीआई का जो एक प्रकार से आग्रह था कि इसका अधिकार आरबीआई को दे दिया जाए, डिजिटल कर दिया जाए। नहीं सर, यही तो बात तो यहीं से फंस रही है कि जब आरबीआई को देने की बात आई थी तो एसबीआई को क्यों दिया गया? बड़े टाइम से पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, पांडे जी अपनी भी बात रखिए। अभिषेक जी, अपने हमारे मित्र ने कहा पीएम केयर के फंड के सारी डिटेल सार्वजनिक किया जाए, निर्मला सीतारमन जी ने सदन में जवाब दिया था कि इसके पहले भी पीएम केयर फंड हुआ करते थे, उसके भी ऑडिट नहीं हुआ करते थे, उसके भी जानकारी साझा नहीं किया जाती थी, बस उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है।
तो जब आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं ऑडिट कराते थे, आप क्यों नहीं साझा कराते थे? चलिए ठीक है पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वक्त कम है। निशिकांत पांडे जी, सत्यप्रकार सिंह जी, चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा है, जो आप बात रख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता सब कुछ जानने लगी है, समझने लगी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्यों नहीं बताया कि चंदा कहां से आया, या फिर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी वही तरीके अपना रही है जो कांग्रेस के समय में हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो सच्चाई है कहीं वो सियासत के आगे घुटने ना टेक दे, जनता को पता चल जाए, सच्चाई खुलासे के रूप में तब्दील हो जाए। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, हमारे देश में बहुत सारे घोटाले हुए, क्या ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है कहीं ये घोटाले या भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा आने वाले समय में? ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रही है कि आने वाले समय में इसका खुलासा हो सकता है, उम्मीद है खुलासे की और हकीकत की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।